हो जाए, आ रहे हैं मोदी जी। कहाँ भैया, रोड पर आ रहे हैं। 2 दिन बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपके भी पांव तले जमीन नहीं बचेगी, काहे परेशान हो। 2 दिन का और सब्र कर लीजिए भैया। अच्छा अनुराग ओझा, वोटिंग हो गई है, हाँ तो इसीलिए तो कह रहे 2 रोज का और फाइनल सात दो दिन का और सब्र करो भैया। 2 दिन बाद हमसे मिलना, फिर आपको हम सारा जवाब देंगे बहुत इत्मीनान से, क्योंकि रिजल्ट तो मतलब पूरा वोटिंग तो हो गया, 7 का 7 चरण चकाचक चकाचक चकाचक, और जनता ने भी ईवीएम दबाया खटाखट 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 खटाखट। तो अब जनता तो भैया वहां जाएगी, अब साहब का क्या होगा। बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी हुई, अब जाए 4 जून के बाद में साहब का बंगला खाली हो जाए। साहब आपके कहाँ जाएंगे महाराज, हमको हंसी तो इस बात की आ रही है, साहब कहाँ जाएंगे। साहब कहाँ जाएंगे, कौन से साहब की बात कर रहे हैं। मोदी जी की बात कर रहे हैं भैया। तो मोदी जी गद्दे पर बैठेंगे ना। कौन सी गद्दे पर, कांटा वाली। प्रधानमंत्री किस सीट पर बैठेंगे। प्रधानमंत्री की गद्दे पर बैठेंगे। 2 दिन बाद क्या कह रहे हैं कि अब 2 दिन बाद फिर कीजिएगा इंटरव्यू, फिर 2 दिन बाद कीजिएगा, आज ही बैठ, आज कोई फायदा नहीं है। तो मोदी जी को कुर्सी मिलेगी। कौन सी कुर्सी मिलेगी भाई, कौन सी कुर्सी मोदी जी को मिलेगी। ए भैया कौन मोदी जी को कुर्सी दे रहा है, मोदी जी को भला कौन कुर्सी दे रहा है। आपने कभी मोदी जी को कुर्सी दिया। कुर्सी मतलब प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री मंत्री की नहीं, इनको संतरी की कुर्सी मिलेगी, क्योंकि हम जैसे युवाओं को अग्निवीर में झोंक के 4 साल बाद संतरी बनाने का प्रोग्राम कर रहे थे, तो अब की बार देश के युवाओं ने इनको संतरी बना दिया है। हो सकता है राहुल गांधी के सामने आइए सर, आइए सर, हो सकता है कि वहीं पे लोक कल्याण मार्ग के सामने ही मोदी जी भी संतरी बन के रह जाए। सबर कीजिए भाई, 2 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है, बहुत चकाचक रिजल्ट आ रहा है। अच्छा लेकिन अनुराग ओझा, सवाल ये है कि देश की जनता ने तो मोदी जी को इसलिए वोट दिया है। किस लिए वोट दिया है, कि महंगाई बढ़ जाए, कि बेरोजगारी बढ़ जाए, भ्रष्टाचार बढ़ जाए, आम महिलाएं सुरक्षित हो जाए, किसान आए दिन पिटता रहे, युवा आए दिन पिटता रहे, इसलिए वोट दिया है। देश के लोगों ने इस बार अलायंस को वोट, ये सब चीज बेहतर हुआ इसलिए वोट दिया है। अच्छा किस 5 काम आप बता दीजिए जो मोदी सरकार में बेहतर हुआ। करीब सारे काम नहीं बताइए, करीब करीब नहीं, गरीब गरीब रहा, गरीब गरीब रहा, महिला उत्पीड़न से और ज्यादा परेशान हुई, पत्रकार आए दिन पिटता रहा, और श्रमिक की आय दुगनी नहीं, श्रमिकों को मतलब आप बताइए कि मनरेगा वालों को, भैया मनरेगा वालों को 237 रुपए ही मिल रहा है, और कांग्रेस की सरकार ने कहा है कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम 400 रुपए की दिहाड़ी कर देंगे। अब आप बताइए श्रमिक भाई उसको वोट देंगे जो 237 रुपए उनकी दिहाड़ी रखे, या जो 400 कर दे उसको देंगे। तो भैया पहले जो है, पहले मोदी जी पहले हमारा देख लीजिए भैया, इन लोगों की जवान भी अब उन्हीं की तरह लड़खड़ाने लगी है। पहले आ उ आ, पहले उ आ ई, मतलब पत्रकारों के मुंह से भी जवान नहीं निकल रही, कार्रवाई साहब आप पर भी होगी, कार्रवाई आप पे भी होगी, प्रचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए, देने के लिए। हाँ यहाँ का, यहाँ यहाँ का पूरा पैसा ले जाके विदेश में रख रहे हैं, स्विट्जरलैंड में रख रहे हैं। हो सकता है 4 जून के बाद में झोला उठाएंगे, फक्कर फकीर आदमी है तो जाना तो पड़ेगा, तो यहीं से उठा उठा के ले जाएंगे ना। इस देश को जितना मुगलों और अंग्रेजों ने लूटा है उतना ही लूटने का काम भाजपा की सरकार ने। देखिए पूरी दुनिया जो है हमारे हमारे तरफ लगाई बैठी होती, आपके तरफ, देश की तरफ नहीं, आप नहीं, आप इतना सक्षम आपके तरफ नहीं, हमारा देश शुरू से मजबूत, हमारा देश शुरू से मजबूत कार्यकाल, हमारा देश शुरू से मजबूत जो है हमारे तरफ, हमारा देश बैठी होती है। हाँ कब्जा दुनिया आप उम्मीद है, चाइना वाइना जब से मोदी जी की सरकार आई तब तो चाइना वाइना भी नजर गड़ा के बैठ गया है कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ से कर लिए हैं, करेंगे पटना की तरफ से, फिर करेंगे चीन की उधर क्या नाम है कश्मीर की तरफ से, फिर उधर करेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ से, वो कब्जा करने के लिए निगाह गड़ा के बैठा होगा। और पूर्ववर्ती जब सरकार थी भाई साहब देखने की भी हिम्मत नहीं थी, जो देखता था ना हमारे जो सैनिक थे आंखियां नोच लेते थे। बीजेपी 400 पार, विपक्ष भाई साफ, कौन 400 पार। अच्छा 400 सीट लाएंगे कहां से, लाएंगे कहां से बताओ। 400 सीट देगी, 400 सीट जनता, जनता देगी, जनता सीट देती है कि वोट देती है। अरे वही 400 सीट कहां पे, बात तो एक ही है, इनको वोट कौन दे रहा है बताइए। इस देश की आवाम दे रही, कौन सी आवाम दे रही, लोग दे रहे हैं, कौन सा लोग दे रहा है। आपके जैसे युवा देते हैं, युवा वोट देगा, युवा कुकुर को वोट दे देगा, बिलार को वोट दे देगा, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देगा, क्योंकि युवाओं को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया। अब बताइए महिला वोट देगी इनको, बिल्कुल देगी महिलाएं। आप बताइए कि मणिपुर में महिलाओं के साथ में क्या किया था इनकी सरकार, वहां पे नहीं है कि सरकार ने 3 तलाक हटाया तो महिला तो वोट करेंगी ना। 3 तलाक अलग विषय है, लेकिन महिलाओं का यौन शोषण जो हुआ, अब बताइए महिलाएं उनको वोट देंगी। आप बताइए किसान पे अगर बात की जाए तो किसानों के साथ में इन्होंने क्या किया,
किसानों को सिर्फ और सिर्फ 750 से ज्यादा किसान सही। कंगना रनावत कह रही है कि जो छोटा सा बच्चा, गरीब बच्चा अपने बलबूते पे, काबिलियत पे जो है यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा, उसके पास हकीकत में नहीं, वाक्य में जो उसके पास दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति है। कंगना रनावत कुछ समय पहले कह रही थी राम का अंश है, आज कह रही है दिव्य शक्ति है। इनका प्रवक्ता कहता था कि भगवान जगन्नाथ इनके भक्त हैं, तो ये लोग भैया उलूल जुलूल की बात कर रहे हैं, और सनातनी भाइयों को इन्होंने इसी माध्यम से अपमान भी किया, तो सनातनी भाइयों ने भी इनका बायकॉट करने का काम किया। एक देशद्रोही से सवाल पूछा जाएगा, बिल्कुल गद्दारों को जेल में डाला जाएगा, बिल्कुल गद्दारों को जेल में डाला जाएगा। लेकिन 4 जून के बाद में साहब, 4 जून के बाद में 3 दिन बाद हो सकता है उस लिस्ट में हेडलाइन मतलब सबसे ऊपर ही आपका नाम हो, क्योंकि आपने जितना चापलूसी किया है, जितना चापलूसी किया है, जितना दलाली किया है, जितना तलवा चाटने का काम किया है, उन सब का हिसाब किताब होगा साहब। हमने सबकी लिस्ट बना रखी है। धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, हम धमकी दिए हैं जी, धमकी दिए हैं। अरे हमारा ही लोग संविधान इंडिया की बात करते हैं और आप इस तरीके से धमकी देंगे? मान तो गए ना, अब ये मानते नहीं आपकी संविधान की और लोकतंत्र की हम बात करते हैं। आप बताइए कि अमेठी में पत्रकारों के ऊपर पिटाई होती है, रायबरेली में पत्रकारों के ऊपर कुटाई होती है, जहां जहां देख लीजिए बीजेपी प्रचंड बहुमत में है, वहां वहां पत्रकारों के साथ में क्या होता है। पत्रकार को तो इंडिया अलायंस का जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता की भी बात की गई कि उनको भी आजादी मिलेगी, और आप लोग उन्हीं का चापलूसी कर। सरकार में भी आजादी है, सवाल पूछते हैं। कौन सा सवाल? 2 करोड़ रोजगार पे सवाल पूछिए, पूछिए मोदी जी से। आप, मैं जितना सवाल बता रहा हूँ, मैं अगर पत्रकार होता और आप मोदी जी होते, अगर मैं मोदी जी होता आप पत्रकार होते, तो कहते हम काट के खाते हो, चूस के खाते हो, आप बताइए चलते कैसे हैं, आप कपड़ा कौन सी कंपनी का पहनते, सवाल होता है जी। 4-6 दलाल पत्रकार बैठ जाते हैं, राहुल गांधी जी ने अभी बताया था जल्दी में, और वहाँ पे हंसने का काम करते हैं। पत्रकार थोड़ी है भाई, आप लोग उठाई गिरा है, चमचा है, जो सत्ता की चापलूसी में इतना गिर गए हैं, इतना गिर गए हैं। कम से कम शब्दों का मर्यादा रखिए, बहुत बहुत शब्दों का मर्यादा आप सिखाएंगे, आप सिखाएंगे हमको। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं, सिखाइएगा हमको, सिखाइएगा और मोदी जी को भी सिखाइएगा थोड़ा, एक पत्रकार से किस तरीके से बात किया जाए। चलो चलो हटो हटो, वो याद है ना वो सांसद बीजेपी का, चलो हटो हटो हटो, दरवाजा खट से बंद किया था, याद है ना आपको? गलत है तो उससे आप बोले थे कि गलत है, बोले थे। हमको सिखाएंगे आप, बोले थे, हमको सिखाएंगे आप, बोले थे जी। शकल देखी है अपनी, आपकी नजर नहीं पड़ी होगी, हमने बोला था। कहाँ बोला था आपने, कहाँ बोला था? शकल देखे हैं जी इसका, मुंह पे फोकस करिए इनके, शकल देखे हैं जी, इधर मुंडिया घुमा के दिखाइए, खीस मत काढ़िए, दांत मत निकालिए, दिखाइए। आपकी जो बोलने का तरीका है उस पे हम सवाल। 4 तारीख के बाद में साहब क्या होगा? धमकी फिर आप धमकी, इसको धमकी आप समझ रहे हैं? हो सकता है कि आपको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, हो सकता है कि दलाली का, देखो साहब हम बदले हैं, बदले तो अभी बाकी, जुल्म का हिसाब होगा। देखिए तमाम, चाहे वो पत्रकार हो, तमाम एग्जिट पोल चल रहा है, उसमें जो है भाजपा का एग्जिट पोल है, इंडिया अलायंस है वो साफ है, कहीं भाजपा का एग्जिट नजर नहीं आ रहा आज तक। किसका? एनडीटीवी किसका? बड़े लीडर है जो विपक्ष के, बड़े लीडर है योगेंद्र यादव ने भी कहा है कि भैया नहीं होता ऐसे, हाथ हिलाने से काम नहीं ना होता है भैया। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि इनका 150 पार नहीं जाएगा, अखिलेश यादव ने कहा 140 पार नहीं जाएगा, तेजस्वी बाबू ने कहा कि 100 पार नहीं जाएगा, इनका पार कहाँ जा रहा है? आप लोग दलाली कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि 400 पार, मोदी ने कहा 400 पार, योगी आदित्यनाथ ने कहा 400 पार, ये सब फर्जी, मान लीजिए बोलते हैं। 19 में भी आपने यही कहा था, 19 सरकार बनी ना, देखिए सरकार में कहा था ना, तोड़ मरोड़ के सरकार बनाना अलग बात है। अब तोड़ मरोड़ बिल्कुल ये लोग तोड़ फोड़ करते हैं, और इस बार हम लोग बहुमत से सरकार बना रहे हैं, इन लोगों को तोड़ने मरोड़ने का मौका नहीं देंगे। 4 जून को सरकार, 5 जून से कार्रवाई, किसके ऊपर कार्रवाई करें, सबके ऊपर कार्रवाई होगी, कार्रवाई सबके ऊपर होगी, जो अडानी अंबानी से फिर से देश को लूटेंगे। देश को तो साहब 10 साल में इन्होंने लूट लिया, युवाओं को लूटा, महिलाओं को लूटा, किसानों को लूटा, बेरोजगारों को लूटा, दलित को लूटा, पिछड़ा को लूटा, आदिवासी को लूटा, मुसलमान को लूटा, ब्राह्मण को लूटा, क्षत्रिय को लूटा, वैश्य को लूटा, सबको लूटने का ही तो काम किया है इन्होंने। युवाओं को सबसे ज्यादा लूटा, इतना तो साहब मंजनू भी नहीं पिटा था लैला के प्यार में, जितना आज युवा पिट रहा है मोदी जी की सरकार में। तो ये लोग तो पीटने का काम सिर्फ और सिर्फ किया है। तो अब इस बार जनता ने सोचा है कि साहब को हटाना है, और एक ऐसे युवा 4 जून को मोदी जी क्या पकड़ेंगे आप, फिर नहीं, माफी चाहेंगे उसके लिए, कैमरे आपको सीधा किया था। 4 जून को मोदी जी क्या कर रहे होंगे,
4 जून को आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, कोहड़ा लो, शिमला मिर्च लो, लौकी लो, भिंडी लो, कोहड़ा लो, ले लो 20 रुपया किलो। वही जहां से आए थे, याद है ना वो गांव का नाम? बटनगर। बटनगर ही है। चाय बेचते थे ना मोदी जी? चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा है। चाय बेचते आपने नहीं देखा, लेकिन फिर भी मानते हो कि चाय बेचा, और आप देश बेचते आप लोग देख रहे, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। तो अब इस बार जनता फिर इनको भेज देगी, वो चाय ही बेचेगा। अच्छा मोदी जी, आप कैसे चाय बेचेंगे अगर आप शुरू करेंगे तो? कैसे चाय बेचेंगे? चाय भाई साहब, उस चाय में पता नहीं कौन सी अफीम मिला दी थी। आवाज कैसी होगी? भाई बहनों मित्रों, मैंने 10 साल जनता को बेवकूफ बनाया और जनता ने इस बार हमको नकार दिया। भाइयों बहनों मित्रों, हमारी दुकान पे आइए भाइयों बहनों मित्रों, और चाय पीजिए। ले लो मोदी की चाय, मोदी की चाय, मोदी की चाय। मिश्रा जी करें, चाय पत्ती इसमें मोदी जी डालिए थोड़ा ठीक से। सफेद कपड़ा, सफेद कपड़ा, सफेद कपड़ा, सफेद कपड़ा, सफेद कपड़ा। चाय लीजिए ना हमारे यहाँ। मोदी जी कहेंगे छोटा वाला बनाए, क्वार्टर वाला बनाए, या फिर बड़ा वाला गिलास में बनाए, कॉफी बनाए कि लेमन टी बनाए। तो ये लोग चाय ही बेचने का फिर से धंधा अपना चालू करेंगे, और इस बार इनको चाय के लिए चीनी भी नहीं मिलेगी और चाय पत्ती भी नहीं मिलेगी, और इनको किसी भी रेलवे स्टेशन पर चाय भी नहीं बेचने दिया जाएगा। क्योंकि अगर ये चाय बेचते बेचते उस रेलवे स्टेशन को, क्योंकि जहाँ पहले इन्होंने चाय बेची थी वो स्टेशन तो ये बेच चुके हैं, अब दूसरे पे अगर कांग्रेस ने इनको मौका दे दिया तो ये फिर से वो स्टेशन बेच देंगे। बदलाव आप मानते हैं कि होने वाला है? बिल्कुल बदलाव हो रहा है, और 4 जून को हम लोग सरकार बना रहे हैं 2 दिन बाद। जब अगर मान लीजिए, मतलब उम्मीद तो नहीं लग रही है, नहीं लग रही है, अगर ये आपको खबर मिले कि जो है इंडिया गठबंधन जो है 300 सीटों पर आगे चल रही है, तो उस वक्त आपके क्या हालात होंगे? भाई हालात जैसा हमारा है, अब 4 जून को हम कह रहे हैं कि आपको भी मिठाई खिलाएंगे, और बिल्कुल बढ़िया वाली, और आपको शानदार इंटरव्यू भी देंगे। आपने तो मुझे कहा कि जेल में डलवाएंगे। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि अगर दलाली किया है, हिसाब किताब होगा, जितना वीडियो आपने डाल रखा है सब देखा जाएगा, फेड चेक इनका चलता है तो हमारा भी फेड चेक चलेगा जी। अगर ये लोग कार्रवाई हमारे ऊपर करते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, हर एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। आज सरकार आपकी है, आप हमारे ऊपर हिसाब किताब कर रहे हैं, कल सरकार हमारी आएगी और क्या करेंगे जब पता चले कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में रिजल्ट है? तो बता तो रहे हैं कि आपको खिलाएंगे पिलाएंगे फिर उसके बाद में महाराज, अब इनका हिसाब किताब लिया जाए थोड़ा तरीकेदार, फिर देखेंगे। अगर आप हेड लिस्ट में हैं तो आपको वही गोला में भेजा जाएगा जो गोला में भाजपा वाला पत्रकारों को भेजता है, क्योंकि अभी भी आप लोगों के पास में 2 दिन का समय है, रुझान ठीक ठाक दिखाइएगा, जो वास्तविक रुझान, तो हो सकता है आपको बख्श दिया जाए। राहुल गांधी, राहुल गांधी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। कैसे शपथ लेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी संविधान की शपथ लेता हूँ, देश हित में काम करूंगा, उसके हित में काम करूंगा, दलित पिछड़ा आदिवासी के हित में, जातीय जनगणना, महिलाओं के खाते में 1 जुलाई से खटाखट, युवाओं को रोजगार मिलेगा फटाफट, मतलब चंगा। उस समय भाई साहब कैसा महसूस हो रहा होगा, और आपके भी चेहरे पर मुस्कान आ गई, इसका मतलब साफ है कि 4 जून को हमारी सरकार बन रही है।